are watching Your Vote 2014, the national post-poll survey done by the India Today Group along with Cicero. Joining us now, a very special guest, the mastermind of the BJP strategy for Uttar Pradesh, Narendra Modi's close associate, Amit Shah. And I don't see a smile, jis tarah ke aankde aa rahe hain, Amit bhai, uske hisab se to badi muskan honi chahiye aapke chehre pe. Hum to aapko muskurata hua nahi dekh rahe hain aaj karyakram mein. चले, मुझे अभी भी लगता है कि कुछ कम दिखा रहे हैं आप. कम दिखा रहे. ओके, लेट मी क्विकली शो यू द पोस्ट पोल ऑल इंडिया टैली एंड देन वी विल डिस्कस दैट विद अमित शाह. अकॉर्डिंग टू द इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो पोस्ट पोल फाइंडिंग्स, द एनडीए इज लाइकली टू क्रॉस द 272 मार्क बाय इटसेल्फ, प्लस और माइनस 11 सीट्स फॉर नरेंद्र मोदी एंड द एनडीए. द कांग्रेस एंड द यूपीए एक्सपेक्टेड टू क्रैश टू इट्स लोएस्ट टैली एवर, down to 115 plus or minus 5. That is the India Today Group Cicero projection for the national big picture. Iska matlab ye hai, Amit Shah sahab, ki Narendra Modi ko Mamata Banerjee par, Jayalalita par nirbhar hone ki zarurat nahi hai. Khud ba khud apne dam par NDA ki sarkar banti nazar aa rahi hai. Dekhiye, kisi pe nirbhar hone nahi hone ka sawal nahi hai. हम पहले से हमारी लड़ाई 272 प्लस के लिए लड़ रहे थे और मुझे लगता है कि आजादी के बाद पहली बार एक हकारात्मक एजेंडे पे हम चुनाव लड़े और जनता ने हकारात्मक एजेंडे पे वोट देना पसंद किया और हम 272 क्रॉस कर लेंगे. मेरा मानना है कि एनडीए की टैली 300 सीटों को क्रॉस करके आगे जाए. नहीं तो आप कह रहे हैं कि जो इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो के आंकड़े हैं वो कम है, कंजर्वेटिव आंकड़े हैं. तो आपके हिसाब से बीजेपी का, एनडीए का और कांग्रेस का क्या आंकड़ा होगा? आपने कई पोल्स कराए, आपके खुद के लोग मैदान पर हैं, आपके खुद के कैलकुलेशंस क्या हैं? देखिए, बीजेपी का आंकड़ा मेरे अंदाज के हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत अंदाज है, जो कार्यकर्ताओं से बात होती है इसके आधार पर अंदाज है, बीजेपी का आंकड़ा 250 से 260 के बीच में रहेगा और एनडीए करीब करीब 300 के आसपास रहेगा. Okay, that's the national big picture. I want to put out the figures for Uttar Pradesh because the biggest story of this election and the one state that Amit Shah himself was in charge of was Uttar Pradesh. And over there, the India Today Group Cicero projection is between 48 to 56 seats for the BJP in Uttar Pradesh. They were down to 10 seats last time, 48 to 56 seats. Their vote share jumping up from 18 to 39. That is one of the biggest vote share jumps ever, 21% vote share. Amit Shah sahab, jab ye chunauti aapko di gayi, tab zyada log ye manne ko taiyar nahi the ki party ka vote share 18 se badhkar 30 paar kar sakta hai. Log 25-26 ki baat kar rahe the, 39 ka filhal anuman hai. Ye anuman aapne kaise achieve kiya? Itna mushkil jo challenge hai, वो पोस्ट पोल प्रोजेक्शन में आपके हिसाब से कैसे सफल होता नजर आए, उस स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए. देखिए, स्ट्रेटेजी छोड़ दीजिए, मगर सब लोगों को कठिन लगता था. मैंने, राहुल आपको याद होगा शायद, हम दोनों की पर्सनल बात में पहले से कहा था कि बीजेपी सबसे अच्छे ज्यादा परिणाम लेकर आएगी. एक बात, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, चतुष्कोणीय जंग में हम 20% से ज्यादा वोट शेयर बढ़ाने जा रहे हैं और 40 से ज्यादा सीटें बढ़ाने जा रहे हैं. मैं मानता हूं कि ये पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की जो इंक्रीज है उसमें स्टेट वाइज अगर देख ले तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है. उसका मुख्य कारण ये है कि बीजेपी की पूरी कडर, सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता से लेकर बूथ का कार्यकर्ता, इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पुनर्जीवित करके फिर से मुख्य पार्टी बनाने के लिए लगा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक हकारात्मक सोच उत्तर प्रदेश की जनता में क्रिएट करने में हम सफल रहे और एक लहर थी जो नरेंद्र मोदी की देश भर की, इसका भी हमें बहुत बड़ा फायदा मिला है. नहीं, पर आपके जो विरोधी हैं वो ये कहेंगे कि बीजेपी का वोट शेयर इनटू सीट शेयर कन्वर्जन उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा इसलिए क्योंकि यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं था. बिहार में ऑपोजिशन लालू के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द आके सिमट गया और उसने आपको फाइट दी. उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन मायावती, मुलायम और कांग्रेस में बटा हुआ था, इस वजह से, क्योंकि ऑपोजिशन फ्रेगमेंटेड था, इस वजह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बहुत फायदा मिला यूपी में. आप जरा उल्टा कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम ऑपोजिशन में थे, हम पावर में नहीं है.
और सबसे छोटी टैली अगर किसी के पास थी 2009 के चुनाव की 10 सीटों की तो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और वोट शेयर भी सबसे कम शायद हमारा था। उसमें से आगे बढ़कर मैं मानता हूं कि हम 55 तक पहुंचेंगे और 40% के वोट शेयर को क्रॉस करेंगे। सीधे मुकाबले में भी 40% बहुत बड़ी वोट शेयर होती है। चतुष्कोणीय जंग में 40% वोट शेयर पाना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो आपने आपको मिरेकल मैन कहलाएंगे आप, 10 से अगर 50 सीटें पार हो जाती है तो 5 गुना किसी एक इलेक्शन में, ऐसे टाइम पर जब बीजेपी का बेस यूपी में बहुत कमजोर था, किसको श्रेय देंगे? अमित शाह के जादू को, नरेंद्र मोदी के करिश्मा को, किस चीज को आप श्रेय देंगे? देखिए, क्रेडिट तो उत्तर प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट को जाती है, मगर नरेंद्र मोदी के मोदी जी के नाम की जो लहर थी उसका हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मेरे साथी हैं, वो सब आपसे सवाल पूछने को बेकरार हैं, स्टार्टिंग विद नलिनी से। जी अमित शाह जी, जो इस बार जो पोल दिखा रहे हैं वो ये है कि जो मुसलमान वोटर हैं उन्होंने आपके लिए वोट काफ़ी कम किया है, क्या आप करेंगे जिससे थोक माल में मुस्लिम वोटर भाजपा के लिए वोट करने लगे अब से इलेक्शन आगे में, क्या करेंगे आप? देखिए, मैं मानता हूं किसी भी सेक्युलर कंट्री में वोटर को हिंदू मुसलमान के पाले में नहीं बांटना चाहिए, और आप लोग भी कृपया ये बात बंद कर दीजिए। वोटर हिंदू या मुसलमान वोटर वोटर होता है, और आप उसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से न देखिए, एक हिंदुस्तानी के नजरिए से देखिए, एक इंडियन के नजरिए से देखिए। जी तवलीन सिंह। हाँ अमित शाह साहब, मैं तवलीन सिंह हूँ, और मैंने आपसे ये पूछना है, ये जो आपने अभी बात कही थी कि पार्टी को आपने पुनर्जीवित किया है यूपी में, यानी कि पूरी तरह से लाश थी हमारी नज़र में, तो आप ज़रा राज तो बताएं कि इसमें आपने जिंदगी कैसे फूंक दी दोबारा? माफ कीजिएगा, यूपी बीजेपी में आपने जिंदगी कैसे फूंकी? आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी है कमजोर हो गई? जो नहीं, मैं कमजोर नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये पार्टी, अच्छा इज टेकिंग दिस गॉन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। हाँ, मैं ये आपसे पूछ रही थी, आपने खुद कहा है अभी कि यूपी में आपने बीजेपी को पुनर्जीवित किया है, तो मेरा मानना है कि आपकी जो ये पार्टी है ये तकरीबन लाश बन चुकी थी, तो इस लाश में आपने जिंदगी कैसे दोबारा फूंकी, और राज क्या है आपका? नहीं तवलीन जी, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने पुनर्जीवित करा है, मैंने ऐसा किया है, कहा था कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ से वरिष्ठ कार्यकर्ता से लेकर बूथ तक का कार्यकर्ता पार्टी को पुनर्जीवित करने में लगा था, और राज जो है वो यही है कि हम हर गांव तक गए, हर बूथ तक गए, हर बूथ में 10 सदस्यों का एक सदस्यता अभियान चलाया, और हर गांव में जहां डार्क एरिया है वहां पर मतलब टेलीविजन या अखबार नहीं पहुंचते थे वो जगह में भी भारतीय जनता पार्टी की छोटी छोटी मीटिंगें हुई, वहां एक वीडियो रथ पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में 2 बार पहुंचा मोदी जी का संदेश लेकर, और 8 हिस्सों में उत्तर प्रदेश को बांटकर हमने मोदी जी की रैली की, और हर बूथ से एक बोलेरो जीप 10 लोगों को लेकर वो रैली में आए, इस तरह का प्रयास करके मोदी का सीधा कनेक्ट हमने मतदाताओं के कराने में सफलता पाई है। इसके कारण उत्तर प्रदेश में एक मोदी वेव खड़ा हुआ, एक भारतीय जनता पार्टी का वेव खड़ा हुआ, इसी का परिणाम है कि चतुष्कोणीय जंग में हम 40% से ज्यादा वोट पक्का ले जाएंगे, और हमारी टैली भी, सीटों की टैली भी मैं मानता हूं 50 से 55 के बीच में रहेगी। सदानंद धुमे। अमित शाह जी, मैं सदानंद धुमे बोल रहा हूं। हमारे आंकड़े यहां पे 272 सीट दिखा रहे हैं, और आप कह रहे हो 300 से ज़्यादा आएंगे, तो आपके मुताबिक कहाँ, कौन से राज्यों में हमारे जो आंकड़े हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं? मैंने आपका पूरा सर्वे तो नहीं देखा, मगर मैं मानता हूँ, मेरे पास मेरा इंटरनल असेसमेंट जो है कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद का, हम 290 से 305 के बीच में रहेंगे। मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक और मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। ऐसा लगा है इस पूरे चुनाव अभियान में कि ना आप रात को सोए हैं ना नरेंद्र मोदी, तो आप सोते कब हैं? अब आराम से, कल भी सोया हूँ, आज भी सोऊंगा, और काउंटिंग के दिन के बाद भी सोऊंगा।
जब जंग चलती है तब सोने की चिंता नहीं होती, जंग जीतने की चिंता होती है। के बाद कैसे सोएंगे अमित शाह साहब? नरेंद्र मोदी जी नहीं 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 काउंटिंग डे के बाद आप कैसे सो सकते हैं? सरकार चलाने में आपका क्या रोल होगा? काउंटिंग डे के बाद आप कैसे सो जाएंगे? नहीं नहीं काउंटिंग के बाद मैं आराम से सोऊंगा, आप चिंता मत करिए। और मैं अकेला नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता ने एक परिश्रम किया है, क्योंकि हम मानते थे कि न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए भी इस सरकार को बदलना जरूरी है। अगर ये सरकार तीसरी टर्म पाती है तो देश काफी पिछड़ जाएगा। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी का एजेंडा फॉर गवर्नेंस क्या होगा? अगर ये सारे एग्जिट पोल के आंकड़े सही निकलते हैं तो आपके हिसाब से शुरुआती प्रायोरिटीज क्या होंगी? क्या आप एक, क्योंकि आपने हमें बताया गोवा में कि हमारा तो पूरा नेशनल कैंपेन तैयार है, जैसे ही यहाँ पे घोषणा होती है हम लोग एक के बाद एक प्लान, और वाकई में लगा भी कि इससे बेहतर प्लानिंग के हिसाब से कोई प्राइम मिनिस्टरियल कैंपेन नहीं ऑर्गेनाइज किया गया। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि 16 मई के बाद का भी अमित शाह और मोदी का इसी तरह से प्लान तैयार है? आप उसमें से अमित शाह को निकाल दीजिए, मोदी जी का प्लान मोदी जी को पूछिएगा। नहीं तो आपके हिसाब से आप बताइए आपकी क्या रोल रहेगी 16 मई के बाद? 16 मई के बाद मेरी रोल का कोई राहुल जी सवाल नहीं है, मेरी पार्टी जो तय करेगी वो काम मैं करूंगा। अभी पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, एक बहुत बड़ा पद मेरे लिए है। जब मैं कार्यकर्ता बना था तब तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनूंगा। तो पार्टी ने मेरे लिए जो रोल तय किया है और करेगी, इसके हिसाब से मैंने हमेशा काम किया, आगे पर भी करूंगा। आपके क्रिटिक्स कहेंगे कि आपने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो पॉलिसीज थी उसका फायदा उठाने की कोशिश की। आपने नुक्कड़ पे जाके, मंच पे जाके लोगों को बोला कि देखिए किस तरीके से भेदभाव हो रहा है आप लोगों के साथ। आपने जो हिंदू मेजॉरिटी है उत्तर प्रदेश की उसको कंसोलिडेट करने की, उसको पोलराइज करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि देखो किस तरीके से ये सरकार मुसलमानों को फेवर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट की, इसको आपको जवाब देना है। मैंने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी, मगर एक बात आपकी बिल्कुल सच है कि जो भेदभावपूर्ण रवैया उत्तर प्रदेश सरकार का था उसका फायदा हमें जरूर मिला है। अच्छा, अगर हम उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं, महाराष्ट्र और बिहार की बात करते हैं, पहले महाराष्ट्र को उठाते हैं, तो आपको लगता है कि राज ठाकरे को एनडीए में ना ला पाना कहीं ना कहीं ये थोड़ा महंगा पड़ा? 27 से 35 सीट्स का अनुमान है महाराष्ट्र में, पर अगर राज ठाकरे साथ में होते तो जैसा आपका यूपी का परफॉर्मेंस था महाराष्ट्र में भी उसी तरह का परफॉर्मेंस संभव हो सकता था आपके लिए? देखिए वहां पर एक प्रकार का पारिवारिक विवाद है, मैं इस बात में जाना नहीं चाहता, मगर मैं इतना मानता हूं कि महाराष्ट्र में भी हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा और लगभग 39 के आसपास हम सीटें पाएंगे। नहीं पर हमारे साथ शिवसेना के कुछ लोग आए थे आपके आने से पहले, उनके चेहरे पे नाराजगी थोड़ी दिख रही थी कि है तो रिश्ता शिवसेना के साथ बीजेपी का, लेकिन राज ठाकरे के साथ फ्लर्टेशन चलता रहता है। शादी में इस तरीके से शादी के बाहर झांक के देखना तो ये तो ठीक नहीं है ना अमित भाई? चलिए राहुल जी, आप टीवी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में दरार नहीं खड़ी कर पाएंगे, आप विफल प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग महाराष्ट्र से निकलते हैं, चलते हैं तमिलनाडु। बहुत चर्चा हुई कि मोदी और जयललिता के रिश्ते बड़े नज़दीकी हैं, लेकिन जब भी वो गए तो जयललिता ने ज़्यादा भाव दिया नहीं, उनको उनसे मुलाकात नहीं हुई, अलायंस नहीं हुआ। ऐसे में आपने एक अपना अलायंस खड़ा किया, MDMK, PMK, DMDK, BJP का अलायंस, वो ज़्यादा सीट्स में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो 2 से 4 सीट्स का प्रोजेक्शन है, लेकिन आपने किया ये है कि आपने जयललिता जो पहले 30-35 का उम्मीद कर रही थी उसको आपने 20 से 24 के बीच में आगे खड़ा कर दिया है। तो क्या 16 मई के बाद मोदी जयललिता की तरफ हाथ बढ़ाएंगे दोस्ती का? देखिए जहां तक सवाल है 16 मई के बाद का, हम 272 प्लस निश्चित पाने जा रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुमान ऐसा है कि हम 300 के आसपास सीट पाएंगे, और उसके बाद भी जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का समर्थन करना चाहती है, देश के विकास के लिए हम सबके समर्थन का स्वागत करते हैं। नहीं तो आप सीधा जवाब दीजिए, नहीं ये तो आप घुमा रहे हैं। सीधा सवाल कि क्या जयललिता से बीजेपी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी? क्या आप जयललिता के सपोर्ट को चाहते हैं ऐसे टाइम पर भी जब सपोर्ट की जरूरत नहीं, अगर आपकी खुद 272 आ रही है तब? हमारी खुद की 272 से ज्यादा सीटें आने के बाद भी एक भी पार्टी का, छोटी से छोटी पार्टी का
एक एमपी भी अगर चुनकर आता है, एक निर्दलीय एमपी भी अगर चुनकर आता है और वो देश के विकास के एजेंडे पे एनडीए सरकार का समर्थन करना चाहता है तो हम इसका समर्थन जरूर लेंगे, उसका स्वागत है। तो बैक चैनल स्टॉक्स पे किस किस से बातचीत हो रही है बताएंगे आप हमें, कोई हेडलाइन देते जाइए। नहीं अभी तो आपसे ही बात हो रही है राहुल जी, कोई पार्टी से बात नहीं हो रही। अच्छा पार्टी से बात नहीं हो रही। तमिलनाडु से निकल के चलते हैं पश्चिम बंगाल, क्या आपको लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस थी बीजेपी के लिए? जिस तरह से आंकड़े निकल के आए, जिस तरह से आपका वोट शेयर जंप कर रहा है, जैसे यूपी में बहुत फोकस्ड एक कैंपेन रहा, वेस्ट बंगाल में उतना फोकस्ड कैंपेन नहीं था, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जितना मोदी वेव था या जितना सर्ज हो सकता था बीजेपी का वोट उसको आप शुरू में पकड़ नहीं पाए, और अच्छे से मेहनत की होती तो क्या पता बंगाल में और अच्छा हो जाता? नहीं ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में एक जमाने में हमारी सरकार हुआ करती थी, एक बार हम 58 सीट भी पाए थे संयुक्त तो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के सहित, और एक बेस तो पड़ा ही था और लोगों के मन में भी उत्तर प्रदेश में भावनाएं काफी हकारात्मक थी क्योंकि हिंदी बेल्ट में बीजेपी का काम पहले से मजबूत है। वहां पर वेव तो है मगर उसको वेव को सीटों में ढालने के लिए जो संगठनात्मक ढांचा चाहिए वो थोड़ा कमजोर है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अच्छी जमीन तैयार इस इलेक्शन में हुई है। अच्छी जमीन तैयार हुई। नलिनी के पास एक फॉलो अप क्वेश्चन। नलिनी सिंह हो अमित शाह जी, ये जो यहाँ के जो आंकड़े हैं यहाँ पर तो पोल करवाई हेडलाइंस टुडे ने, इंडिया टुडे ग्रुप ने, और उन्होंने कहा 272 प्लस माइनस 11, आप कह रहे 300, तो आप अनुमान कैसे लगाते हैं अपना? क्या आप एक एक सीट के अपने कार्यकर्ता से बात करते हैं या आपने अपना ही कोई बहुत गुप्त किस्म का एक पोल करवाया है? क्या हुआ है, कैसे आपको इतना मालूम है कि 300 आएंगे? मैं आप माफ करिएगा, मैं सर्वे में विश्वास नहीं रखता। मेरी पार्टी का संगठन हर सीट पर है, हर सीट पर हमारे मंझे हुए कार्यकर्ता है, इनके साथ ये डेढ़ दिन में मैंने डिटेल बात करी है और मुझे लगता है कि कम से कम राहुल को तो मालूम है कि हमारी पार्टी का संगठनात्मक हिसाब जो सीटों के बारे में होता है वो सर्वे से ज्यादा सटीक होता है। अच्छा ये बताइए, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में हर्षवर्धन जी हमारे साथ थे शाम में, उन्हीं को नहीं मालूम कि वो दिल्ली में एमपी बनेंगे कि सीएम की दौड़ में फिर से आएंगे, तो दिल्ली में जब दोबारा चुनाव होते हैं क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए अभी तो हम दिल्ली की सात की सात सीटें जीतेंगे। हर्षवर्धन जी दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष है और नई सरकार बनने के बाद दिल्ली की सरकार के बारे में जो राजकीय परिस्थिति बनती है उसको देखकर पार्टी योग्य निर्णय करेगी। नहीं पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो खतरा था जो उभर रहा था, खासतौर से 8 दिसंबर के बाद आप भी थोड़े परेशान थे, मोदी जी भी परेशान थे, कहीं ना कहीं वो खतरा अब ढल गया है या वो खतरा कंट्रोल कर लिया गया है इस लोकसभा इलेक्शन में, या आपको लगता है कि आगे चलकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आपका मेन ऑपोजिशन बन जाएगा दिल्ली में? देखिए जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है उन्होंने ही शासन छोड़ा है। देखिए बातें करना एक बात है, लोगों को सपना दिखाना एक बात है, बड़े बड़े दावे करना एक बात है, मगर उसको जमीनी हकीकत में तब्दील करना बहुत महत्वपूर्ण होता है पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में, और मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भागी है। आप कह रहे हैं भागी है, अशोक लाहिरी और तवलीन सिंह दोनों के क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग विद अशोक लाहिरी। अमित जी ये जो रुझाव हम देख रहे हैं ये तो एग्जिट पोल है, ये साहब गलत साबित होगी क्या सही साबित हो गए तो पता चलेगा 16 तारीख को, मगर जो स्विंग हम देख रहे हैं बीजेपी को यूपी में 21.3% स्विंग हो रहा है, वो हिंदुस्तान में भी पूरा हिंदुस्तान में 13.7% बीजेपी के तरफ रुझान है, ऐसा रुझान हम हिंदुस्तान में कभी नहीं देखे इतना ज़्यादा, तो जो खूब जल्दी जल्दी ऊपर जाता है वो जल्दी जल्दी नीचे भी आ सकता है, तो इसके बारे में आपका कोई चिंता है क्या? देखिए ये जो रुझान है वो हवा हवाई रुझान नहीं बना है, ना सिर्फ वेव के आधार पर बना है, हर बूथ की रचना करने का प्रयास किया गया है, नीचे ठोस संगठन बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेतृत्व को, जिले के और तहसील के नेतृत्व को
छाटा गया है, तराशा गया है और उसके आधार पर 9-10 महीने के परिश्रम से इस वेव को खड़ा किया गया है। और जो पूरे देश की हवा थी उसने हमें बहुत मदद करी है। तो वेव और संगठनात्मक संरचना दोनों की क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। सिर्फ वेव होता है तो कभी ऐसा डर होता है कि ये नीचे गिरने की संभावना रहती है, मगर वेव के समर्थन में जब संगठनात्मक संरचना होती है तो उसको जल्दी नीचे लाना दिक्कत वाली बात होती है। फिर भी मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश में बड़ी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और विधानसभा चुनाव तक अपने संगठन को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन कोई लोग कहेंगे कि यूपी में अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए था क्योंकि मोदी का चेहरा था। असेंबली इलेक्शन में तो आपके पास कोई चेहरा है नहीं। आपके जो सीएम कैंडिडेट्स हैं या सीएम रहे कल्याण सिंह, वो तो 7% अप्रूवल रेटिंग पे आते हैं, तो किसका चेहरा दिखाएंगे अगर आपको लगता है कि यही परफॉर्मेंस आप असेंबली इलेक्शन में भी ढाई साल पहले यहां भी आपको कोई चेहरा दिखाई पड़ता था? नहीं, ये बात तो सही है। पार्टी जब तय करती है तो चेहरा अपने आप बन जाता है, जनता जनता उसको स्वीकार करती है। नहीं, लेकिन गलती हुई, जैसे दिल्ली में हर्षवर्धन को आपने लेट प्रोजेक्ट किया, उसका नुकसान हुआ। अभी यूपी में चेहरा नहीं है तो अभी आपको बिल्ड करना होगा, तभी उसका आगे चलकर अगर कोई फायदा मिलना भी है तो मिलेगा। तवरीन सिंह, एज अ क्वेश्चन। जी अमित जी, एक चीज हम फायदा उठाएंगे। मैं जरा थोड़ा सा हट के सवाल करना चाहती हूँ आपसे। एक चीज जो हमने देखी है इस चुनाव में वो ये है कि आपने एक इतना सुनहरा सपना परिवर्तन और विकास का दिखाया है, खास करके नौजवानों को। ये पूरा करने में अगर आपने देर कर दी तो आपको क्या चिंता है कि जो लोग इतना समर्थन दे चुके हैं वो दूर हो जाएंगे आपसे? देखिए, हमने कोई हवा हवाई बात नहीं की है। हमारे पांच, अगर सरकार बनती है तो हमारे पास 5 साल का समय है। और तवलीन जी, आप देखिएगा कि गुजरात में भी हमने जो बातें की थी उसको जमीनी हकीकत हमें बनाकर जनता का दिल जीता है, जनता का समर्थन जीता है। मुझे विश्वास है अगर एनडीए की सरकार बनती है भाजपा के नेतृत्व में और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 5 साल का समय काफी है। हमने जो बातें देश की जनता के सामने रखी है उसके लिए। अच्छा, ये बताइए, पिछले 48 घंटे में हमने देखा कि आरएसएस के साथ बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, नरेंद्र मोदी की भी, राजनाथ सिंह की भी, आप भी फोन पे लगे रहते हैं आरएसएस के सीनियर लीडर से, तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि नागपुर सरकार चलाएगा कि मोदी सरकार चलाएंगे? देखिए, 1950 से जब से जनसंघ बना तब से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते इसी तरह के हैं। जनसंघ और आरएसएस के, और बाद में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के। और हर चुनाव के बाद हमारा नेतृत्व संघ कार्यालय पर जाता है और हर बार मीडिया ये सवाल उठाता है, मगर मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नीतिगत फैसलों का सवाल है, वो भारतीय जनता पार्टी ही करती है और कहीं से नहीं होती। तो मोदी जी से चर्चा हुई आपकी इन पोस्ट पोल नंबर्स पर, क्या कह रहे हैं वो? नहीं, वो देख रहे होंगे शायद आपका कार्यक्रम, तो अभी जान ही जाएंगे मैं क्या कहता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपनी बात कही। आंकड़े कह रहे हैं 280 के आसपास, 272 से 283, आप कह रहे हैं कि 300 से ऊपर, तो देखते हैं कि क्या सही निकल के आता है। 16 मई को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। 16 मई को 2 बजे मालूम हो जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। नहीं, पर मैं ये बता दूं कि अगर 10 सीटों से 50 पार होती हैं, जो आपका अनुमान कह रहा है 46-52, इफ दैट कम्स आउट टू बी ट्रू, दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्टोरल स्विंग्स एवर। फ्रॉम 10 टू 50 इज अ बिग अचीवमेंट, मेक नो मिस्टेक अबाउट दैट। इट्स नॉट सो मच अबाउट द सीट्स, इट्स अबाउट द वोट्स। यू सी, आई थिंक 1977 एंड 1980, सी 1977 Congress lost 9%, and 1989 Congress lost 9%, 9.5%, and BJP, the maximum that it gained was 8.75 in 91. What we are seeing in this election is a tectonic shift in voting percentage.